नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक पर्शियन कैट है। ये ब्लू आइज़ है, हो सकता है कि कैमरे में बिल्कुल क्लियर ना आ रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ पास से। ये मेरी पर्सनल कैट्स हैं और बहुत लोग पूछते रहते हैं कि किस तरह से कैट्स को हम लोग रख सकते हैं, क्या कोई कैट्स के रिगार्डिंग भी आप लोग नया चैनल शुरू करें, तो आज हम लोगों ने शुरू कर दिया है। मैं आपको इनसे जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह आप पर्शियन कैट्स को रख सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक प्रैक्टिकली जो रखता है उसका एक एक्सपीरियंस अलग होता है, और बाकी ओरली बताना, सीखी सिखाई बातें बताना कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, उसमें उसमें बहुत डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जब कभी आप पर्शियन कैट बाय करें तो मिनिमम वो 45 डेज़ का होना चाहिए, यानी कि डेढ़ महीने का बच्चा होना चाहिए, और डेढ़ महीने से अबव ही हो, यानी दो चार दिन ऊपर हो। अब रखने के बाद क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें उनके साथ ख़रीदनी भी पड़ती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक हमारे पास फीडिंग बाउल होना चाहिए, या आप घर का भी कोई बाउल यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। दूसरा, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ, ये हमारे पास टब है। ये नॉर्मली आप एक घर का टब यूज़ कर सकते हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक टब में आप लीटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लीटर सैंड आता है, लेकिन जो कॉस्टली है, जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप लोग घर में रेता आता है, रेता मीन जैसे ये सीमेंट शॉप से रेता मिल जाता है बहुत ईजिली, तो आप लोग वो भी बाय कर सकते हैं और उसको आप रख के भी यूज़ कर सकते हैं। आप सूखा रेता डाल दें और हर दिन आप चेंज कर दिया करें, जो भी पॉटी या जो भी टॉयलेट वो करते हैं, अगर स्मेल ज़्यादा हो तो पूरा रेता आप बदल दें। रेते की कॉस्ट क्या है, 2-3 रुपये किलो, बल्कि बहुत सी जगह तो 1 रुपया केजी मिल जाता है, यानी 1 रुपये का 1 किलो, तो उसको आप चेंज करके भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी फीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या फीड करें। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, मियाऊ, विस्कास, एनएनडी, रॉयल कैनन, ये सब फीड करते हैं। देखिए, बेस्ट फूड जो रॉयल कैनन लोग बताते हैं, बट हम लोग फीड नहीं करते। रीज़न बिहाइंड, उसमें स्टीरॉयड्स होते हैं, स्टीरॉयड्स इन द सेंस कि आप जब उसे खिलाएंगे तो आपका बच्चा बहुत हेल्दी हो जाएगा, कैट आपकी बहुत हेल्दी हो जाएगी, हैवी फर हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप नोट करेंगे वो मतलब एकदम जैसे प्रोटीन होता है, जैसे जिम में लोग लेते हैं ना कि एक्स्ट्रा प्रोटीन, तो बेहतर इनके लिए यही रहेगा कि आप लोग इनको नॉर्मल फूड खिलाएं, विस्कास खिलाएं, मियाऊ खिलाएं, जो कि बहुत अच्छे फीड्स हैं वो भी, तो हम लोग तो रिकमेंड नहीं करते। बाकी जो लोग खिलाना चाहें वो खिला भी सकते हैं। या आप देख सकते हैं हमारे सामने ब्लू आइज़ है, इसका नाम डेजी रखा हुआ है हमने। ये ट्रिपल कोट में, आप अगर इसके फर की बात करें, आप इसके बाल देख सकते हैं, जब हम इसे लाए थे ऑलमोस्ट 45 डेज़ की हो चुकी थी। एक चीज़ और, जब आप कभी फूड लेकर आते हैं तो कैसे इनको फीड करना है, क्या क्या करना है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट फीडिंग टू योर 45 डेज ओल्ड कैट। ओके, तो जो भी लोग नए हैं पर्शियन कैट के रिगार्डिंग, जो भी किसी को क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो बता सकता है। ये हमारे पास ऑड आई है, ये ऑड आई है, इसका नाम डेनी है। डेनी बैठ जाओ, इसका नाम डेनी है, हो सकता है अभी इसमें कैमरे में क्लियर ना आ रहा हो, बट ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। और ये हेज़ल है, से हेलो हेज़ल, ये भी ब्लू आइज़ है। और ये हमारा डेजी है, ये भी ब्लू आइज़ है, आप देख सकते हैं। किस तरह से इनको फीड करना है, क्या क्या इनके साथ आगे प्रिकॉशन है, मैं हम आपको डे टू डे और 2-4 दिन में एक वीडियो डाल के अपडेट करते रहा करेंगे। बाकी किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताइएगा पर्शियन कैट से रिलेटेड। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी थैंक यू सो मच, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले। थैंक यू।